गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो आज का सेशन है आपका एचपी जीके का, और ये एचपी जीके का जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो पेपर में आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम डील कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रास। आप सभी को नवरात्रास की जो है बहुत बहुत बधाई, और मे गॉड गॉडेस दुर्गा जो है वो आपकी हर जिंदगी की जितनी भी इच्छाएं हैं ना वो पूरी करें और खुश रहे। ये नवरात्रों की विश आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भाइयों के लिए, आपकी बहनों के लिए, आपकी भाभी, सभी के लिए जो है विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रास और इन्जॉय योर नवरात्रास। और इस फेस्टिव सीज़न को जो है, ये जो फेस्टिव सीज़न आया है, ये आपकी ज़िंदगी में कईयों के टर्निंग पॉइंट्स हैं तो वो भी अच्छे आएँ, और जिनकी लाइफ का कोई टारगेट है वो भी पूरा हो। तो सबको फिर से हैप्पी नवरात्रास। और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो है, मंडे से आपका शेड्यूल जो है, आप बोल रहे होंगे मैम शेड्यूल चेंज कर रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट शेड्यूलिंग, इट्स द डिमांडिंग डिमांड्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं मैं उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मंडे से आपका जो पुलिस सेशंस हैं, या पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के सेशंस हैं, दिस इज़ द कंपाइलेशन, 1 घंटे की पूरी कंपाइलेशन होगी विथ पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर पैटर्न, क्योंकि अब जो है जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं तो इसमें थोड़ा सा हेक्टिक और लग रहा है कि एक कंपाइलेशन, अब ये प्रॉपर कंपाइल पेपर बेस्ड होगा और प्रॉपरली पेपर के तरीके से होगा। तैयारी मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ, बट आपकी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड जो है आपकी सिर्फ एक एचपी जीके की क्लास, ठीक है, साइंस क्लास, रीजनिंग क्लास, और आपकी कौन सी जो है हिंदी की क्लास, मे बी फ्रॉम फ्राइडे ये ना हो। क्यों? अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ये क्लास होनी चाहिए तो बता देना, क्योंकि इन 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मेरा मेन मोटिव है कि मैं ये कंपाइलेशन क्लासेस का कोर्स तैयार कर सकूं, क्योंकि मुझे ही तैयार करना है, तो ये कोर्स मुझे ही तैयार करना है, तो मुझे टाइम चाहिए। तो इस कोर्स को तैयार करने के लिए मुझे इन 3 क्लासेस को मिस करना, तभी मैं टाइम को कवर कर पाऊँगी। तो इसके लिए आपका सपोर्ट कि ये 3ों क्लासेस जो हैं आपकी ऑफ होकर इसका कंपाइलेशन आपको मंडे से मिलेगा। तो बने रहना इस चैनल पे, और कोशिश करूँगी द बेस्ट टू बेस्ट पेपर बेस्ड जो है आपका चले। एचपी देखिए, जो सेशंस थे करंट अफेयर्स आपका वैसे ही चलेगा, और आपका जो है कौन सा 5 PM का सेशन जो था आपका वैसे ही चलेगा, और आपका एक 8 PM वाला सेशन, ये तो ऐसे ही चलेंगे। इसमें एचपी जी के एक ऐड किया है 11:30 वाला सेशन, ठीक है, और एक सेशन जो है आपका 5 बजे, सैटरडे को 5 बजे आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। क्लियर? जो पहले चल रहा था वही थोड़े दिन के लिए गया है। सिर्फ मंडे से आपको जो क्लासेस हैं, आपको शेड्यूल 8 बजे की क्लास जो संडे को लगेगी उस दिन उसका शेड्यूल, ये जस्ट फॉर कि जिनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जिनके अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये एग्ज़ाम के बेसिस पे कोर्स बनाएं, या जो नीड है उसके बेसिस पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे इस चीज़ को, कि इतना हैक्टिक से ना हो, थोड़ा सा मैं इसको कंपाइल करके और अच्छा कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे और आप साथ देंगे मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। फिर से 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस को फटाफट डील करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, देर इज़ अ सन टेम्पल एट, सन टेम्पल कहाँ पे है? तो आपके पास पेन पेपर होना चाहिए और इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। तो सन टेम्पल है, देखिए मैं अपनी तरफ से ये जो कोर्सेज ला रही हूँ इसका मेन मोटिव यही है कि जल्द से जल्द जो है आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आपके बेनिफिट के लिए, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी जो है लाइव, देखिए लाइव किसी ने मेरे से पूछा था कि देखिए गाइस वो आपके शेयरिंग पे है, ठीक है, आप कितना वीडियोस को देखते हो, कितना शेयर करते हो, उतनी जल्दी है। मैंने अपने आप का 15 का टारगेट लिया हुआ है कि 15 तक अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हम 15 के बाद लाइव आएंगे। अगर आप, ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप उसको कितना एक्सटेंड करते हो। किसी, कई लोगों को साल लगता है, कईयों को 2 साल लग जाते हैं, कईयों को 3 साल, ये डिपेंड करता है आप पे कि मैं अपनी तरफ से तो मेहनत कर रही हूँ, पर आपका साथ मेरी मेहनत को और पक्का करेगा। तो प्लीज़ जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर कीजिए, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए और तैयारी कीजिए पेपर्स की, अपनी तरफ से पूरा है। बाकी उसके लिए जो मंडे से सेशंस है उनके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये 3 दिन जो है
रात दिन एक करके जो है सेशंस को तैयार कर सकूँ आपके लिए। तो प्लीज़ यही बोलूँगी कि सेशंस के साथ बने रहना, और अगर किसी को कोई क्वेरी लगती है तो वो भी पूछ सकते हैं। देर इज़ अ सन टेम्पल एट ढलौजी, ढलौजी नहीं है, ढलौजी में नहीं है, जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर कहाँ पे है? मंडी में है। यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि पटवारी का पेपर लेता है, वो ढलौजी में सुभाष बौली, ठीक है, सुभाष बौली है। तो ये नहीं है केलोंग। केलोंग किसकी हेडक्वार्टर है? लाहौल स्पीति का, ठीक है। क्या है इसका? लाहौल स्पीति का। तो ये नहीं, आंसर इज नीरथ। नीरथ कहाँ है? शिमला। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक तो आपका शिमला में है और एक जो है कोणार्क उड़ीसा में है, आपका सन टेम्पल है। द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इज सुंदरनगर, नहीं, अर्की, दैट इज किसने बनाया था? सभाचंद, एंड इज द हेड क्वार्टर ऑफ गोरखास, ठीक है। भागल रियासत की कैपिटल भी रही है। मंडी, मंडी को छोटी काशी बोला जाता है, और वाराणसी, भरमौर, भरमौर को बोला जाता है 84 टेम्पल्स, और इसको क्या बोला जाता है? मेरु वर्मन। किसने बनाए थे ये 84 टेम्पल्स? मेरु वर्मन ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, द डायलैक्ट स्पोकन इन बिलासपुर इज, कौन सी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा जो है आपकी बोली जाती है? देखिए, गियरसन ने जो है बोला था कि जो भारत हिमाचल की लिपि है, दैट इज़ कॉल्ड टांकरी। किसने कहा था? दैट इज़ गियरसन ने। तो ये भी याद रखना। और सिर्फ एक लाहौल स्पीति है जिसकी लैंग्वेज जो है, जिसकी स्क्रिप्ट जो है वो अपनी है, दैट इज़ भोटी। तो डायलैक्ट, डायलैक्ट होता है भाषा, कौन सी बोली बोली जाती है? भगाटी, भगाट में, ठीक है, दैट इज़ सोलन। महासू भी सोलन में भी बोली जाती है और महासू में भी बोली जाती है। कांगड़ी, कांगड़ा में। तो बिलासपुर किससे रिलेटेड है? कहलूर से। तो ये कहाँ पे बोली जाती है? बिलासपुर में कौन सी बोली जाती है? कहलूरी। द चंद्र एंड द भागा रिवर्स मीट नियर भागसू, भागसूनाथ फॉल्स जो हैं ये हैं कांगड़ा में, ठीक है। कसोल बिलासपुर पार्ट है, और यहाँ पे सतलुज जो है कसोल से बिलासपुर में एंटर करती है, और नीला से छोड़ के फिर भाखड़ा नंगर बांध, फिर नू सतलुज जो है वो कहाँ पे? मंडी में कहाँ से एंटर करती है? फिरनू से, ठीक है। और अगर शिमला में कहाँ से एंटर करती है? तो चौड़ा से, सबसे पहले किन्नौर में, जो कि है आपका शिपकिला, ठीक है। तो आई थिंक चंद्र एंड भागा कहाँ पे ज्वाइन करती है? तांडी। चंद्र एंड भागा क्या बनाती है? चिनाब, दैट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल इन टर्म्स ऑफ आपका वॉल्यूम, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द घनश्याम ठाकुर इज, घनश्याम ठाकुर क्या था? घनश्याम ठाकुर इज व्हाट, हु इज घनश्याम ठाकुर? तो घनश्याम ठाकुर आपके क्या थे? इट्स द पॉलिटिशियन, इट्स द सिंगर, इज द माउंटेनियर, या इज द राइटर? इज माउंटेनियर। देखिए, सिंगर अगर देखा जाए तो सिंगर यहाँ का हिमाचल का सबसे अच्छा मोहित चौहान। पॉलिटिशियन अगर देखे जाए तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं आपके, मिस्टर प्रेम कुमार धूमल, मिस्टर शांताराम, देन उसके बाद आपका राजा वीरभद्र सिंह, ठीक है, अभी जो है अनुराग ठाकुर जी। राइटर वाई एस परमार, जो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल है, वो भी राइटर हैं, ऑथर थे आपके, जिन्होंने कौन और किसको बोला जा सकता है? MS रंधावा, देवराज शर्मा, ये सारे आपके राइटर्स थे। द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट आर इन, इनर हिमालय, शिवालिक्स, अरावलीस। अरावलीस तो हो नहीं सकता, दिस इज़ द ओल्डेस्ट रेंज, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास पड़ती है, तो इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। पीर पंजाल, ये चंबा और जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ियों पे पड़ती है, तो ये नहीं है। शिवालिक्स, इनर हिमालयाज होते हैं मिड हिमालयाज, ठीक है, जो 1500 से 4500 की रेंज में होते हैं। तो ये जो है आपका कहाँ पे पड़ता है? शिवालिक। शिवालिक को बोलते हैं मानक पर्वत। इसमें सबसे बड़ी धार जो है इसकी, इसको बोलते हैं चिंतपूर्णी धार। ये किस में है आपकी? चिंतपूर्णी धार। ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्टोरिया ब्रिज एट मंडी वॉज इरेक्टेड इन द ईयर, इट आपका जो विक्टोरिया ब्रिज था ये कब बना था? जब आपके जोगिंदर सेन, किसके टाइम पे बना था? जोगिंदर सेन के टाइम पे, जब वो दिल्ली दरबार से वापस आए थे।
तो 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट मचल आए थे। 1876 में जो है कहा जाता है वजीर राम ठाकुर के बीच में जो है वजीर राम ठाकुर गुलाम कादिर, वजीर गुलाम कादिर जो है उसके बीच जो है हिंडोर के लोगों ने जो है एजिटेशन शुरू कर दिया। जो हिंडोर के लोग थे उन्होंने किसके खिलाफ, विलियम सॉरी वाजिम गुलाम कादिर के बीच में जो है एक लड़ाई छेड़ दी थी। तो ये नहीं है कहाँ पे, हिंडोर में, ठीक है। 1883 में क्या हुआ था, 1883 में आपका झुग्गा आंदोलन क्या हुआ था, झुग्गा आंदोलन हुआ था जिसमें गेड़वी के लोगों ने क्या थी अपने ऊपर आग लगा ली थी, झोंपड़ियों पे आग लगा ली थी। किसके टाइम पे हुआ था, अमर चंद के टाइम पे, ठीक है। तो आंसर इज 1877, आंसर इज 1877। कोटखाई वॉज फाइनली नेक्स्ट बाय द ब्रिटिश इन द एयर 1809 में जो है रंजीत सिंह और संसार चंद की ज्वालामुखी संधि। 1846 में अगर देखा जाए, 1846 नहीं है ठीक है, 1828 या 1857 में फर्स्ट वॉर, आंसर इज 1828। वैसे देखा जाए ब्रिटिशर्स कब आए थे, 1815 में ब्रिटिशर्स ने कोटखाई से जो है आपके किसको निकाला था, गोरखास को निकाला था। उसके बाद सिख आए, ठीक है, 1828 में जो है सिख आए, तो ये नहीं है। आंसर इज 1846 में जो है ये किसके अंडर आ गया था, ब्रिटिश के अंडर, किसके अंदर आ गया था, ब्रिटिश के अंदर। और कोटखाई को जो है फाउंडर कौन थे, अहिमपाल, किसके, अहिमपाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स वॉज रिटन बाय, एक चीज़ जो अभी बच्चे तैयार कर रहे हैं ना, फॉर अ टाइम बीइंग कर रहे हैं जिन्होंने अभी किताबें ली हैं, प्लीज़ हिमाचल जीके की बुक्स एंड ऑथर्स को जरूर पढ़ के जाना, बुक्स एंड ऑथर, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर हिमाचल प्रदेश पेपर। जेसी फ्रैंक, मुल्कराज आनंद, MS रंधावा, कांगड़ा पेंटिंग्स। जेसी फ्रैंक ने लिखी थी आपकी हिमालयन आर्ट, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज मनमोहन। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स इसने लिखी, हिस्ट्री ऑफ मंडी किसने लिखी थी, विक्रम कायस्थ ने। रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस स्पेंट अ फ्यू मंथ्स एट, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ, सुंदरनगर नहीं, डाकशाय नहीं, डलहौजी या बिलासपुर, बिलासपुर नहीं, आंसर इज डलहौजी, ठीक है। 7 months, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाकशाही इज द कैंटोनमेंट एरिया, सुंदरनगर जिसका नाम क्या था, बनेर, किसने लिखा था, गरुड़ सेन ने, बनेर, ठीक है, गरुड़ सेन ने। विक्रमादित्य ने इसको अपनी कैपिटल बनाया था। बिलासपुर दीपचंद, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के नाम से है। और ये जो है आपका डलहौजी, इसमें जो है आपका अगर देखा जाए DPS स्कूल है, और डलहौजी के पास एक खजियार स्टेशन है, हिल स्टेशन है, या इट्स अ मिनी स्विस, उसको मिनी स्विस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कुल्लू इज चीफली नोन फॉर, कुल्लू किसके लिए बेसिस है। देखिए स्पेलिंग्स थोड़े से गलत होंगे, टाइपिंग एरर भी हो सकता है। तो इसमें जो है दशहरा, दशहरा के स्पेलिंग होते हैं DUSSEHERA, दशहरा, दशहरा आने वाला है भाई, दशहरा, कल से दशहरा की जो रामलीला है, आपने देखा होगा कई जगहों पे रामलीला होती है। तो होली, होली सुजानपुर की फेमस है, किसने शुरू की थी, संसार चंद ने शुरू की थी, ब्रज की होली। बसंत पंचमी जो है ये बेसिकली कांगड़ा में बहुत फेमस है। लवी फेयर इज द ओल्डेस्ट फेयर, ठीक है, जो कि रामपुर का है, ट्रेड फेयर है, और इसको 400 साल पूरे हो चुके हैं। कुल्लू दशहरा कहाँ पे मनाया जाता है, पड्डल में, किसने शुरू किया था, राजा जगत सिंह ने, अपने श्राप, ठीक है, अपने श्राप को ख़त्म करने के लिए वो अयोध्या से क्या लाए थे, रघुनाथ की मूर्ति। द होली श्राइन ऑफ मणि महेश इज इन डिस्ट्रिक्ट, होली श्राइन, मणि महेश का पवित्र मंदिर जिले किस जिले में है, ऊना, ऊना इज फॉर चिंतपूर्णी, शिमला इज फॉर तारा देवी एंड झाकू मंदिर, अगर हम देखें तो इसका संकट मोचन मंदिर भी है। तो और देखें तो आपकी क्या बोलते हैं इसको, हाटू पीक, ठीक है, भीमा काली मंदिर, चंबा या कुल्लू, कुल्लू में कौन है, हिडिंबा देवी का टेंपल, विश्वेश्वर टेंपल, रघुनाथ का टेंपल, ठीक है।
आपका चंबा, तो ये होली श्राइन जो है ये चंबा में है, चंबा से आगे भरमौर, और अभी हाल ही में जो है ये यात्रा अगस्त के एंड में ख़त्म हुई है, राधा अष्टमी के दिन इसकी एंडिंग हुई है। ठीक है, मणि महेश, मणि शिव जी का जो आंशिक रूप है वो किस फॉर्म में है, मणियों के फॉर्म में, मणि चमकती है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पीति एंड द सतलुज मीट नियर द विलेज ऑफ, देखिए कहाँ पे मिलती है स्पीति जो है आपकी, कहाँ पे मिलती है, तो अगर देखा जाए पौंटा साहिब, पौंटा साहिब नहीं है आपकी, इसमें कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी सतलुज में, और फिर वो ताजेवाला से निकल जाती है, कांगड़ा नहीं, स्पीति नहीं। देखिए स्पीति जो है दैट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस, लैंड ऑफ जूल्स बोला जाता है। स्पीति और सतलुज कहाँ पे मिलती है, खाब में, खाब कहाँ पे है, नामग्या, और स्पीति कहाँ से निकलती है, कुंजुम से, कहाँ से निकलती है, कुंजुम, जो लाहौल और स्पीति को अलग करता है। द प्लेस बड़ू हैज़ बिकम नोन फॉर, बड़ू प्लेस किसके लिए, पश्मीना शॉल्स के लिए, कुल्लू का भुटिको वीवर्स जो है वो फेमस है। ठीक है, 1944 से बना हुआ है, वेदराम ठाकुर ने बनाया था। हैंग ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए है आपका बिरबिलिंग जो कि पालमपुर में है। फ्लोर स्केटिंग, स्केटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज़ आइस स्केटिंग कुफरी। आंसर इज पॉलीटेक्निक, आंसर क्या आएगा आपका, पॉलीटेक्निक। नेक्स्ट, इन 1978 द रेजिडेंस ऑफ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, रेजिडेंस जो था 1978 में वो कौन सा था, पीटर हॉफ्स, डेन्स फॉली या कैनेडी हाउस। कैनेडी हाउस जो था वो कैनेडी का था जिसने पक्का हाउस बनाया था 1822 में, और पोटैटो फार्मिंग भी शुरू की थी पीटर हॉफ। पीटर हॉफ में नथुराम गोडसे का केस चला था, लॉर्ड एल्गिन जो थे यहाँ पे रहे थे, लॉर्ड लेटन यहाँ पे रहे, तो पीटर हॉफ, और बाद में जो है नथुराम गोडसे का केस जो है पीटर हॉफ में चला है, तो ये रेजिडेंस जो है तो ये नहीं है। डेंस फॉली जो है इसको आप ये भी बोल सकते हो डर्टी लेक, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज बर्निस कोट, बर्निस कोट जो है दैट इज़ योर रेजिडेंस ऑफ गवर्नर। देर इज़ अ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है माउंटेनियरिंग, इसका नाम है अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कुफरी, कुफरी में CPRI, ठीक है, तो ये नहीं है। राजगढ़ इज़ फेमस फॉर पीच वैली, कोटगढ़ इज़ द एप्पल एरिया, सबसे ज़्यादा एप्पल्स यहाँ पे लगे हैं, और ये कौन सी जगह किसके लिए फेमस है, सत्यानंद स्टॉक्स, मनाली, आंसर इज मनाली। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और कैसा लग रहा है सेशन ये भी बताना। देर इज़ अ रेजिडेंट कमिश्नर इन द एरिया नोन एज, रेजिडेंट कमिश्नर कौन है, ठीक है, रेजिडेंट कमिश्नर डोडरा कहाँ पे होते हैं, डोडरा कमार शिमला में है, सिरमौर में नहीं होते, छोटा बंगाल में नहीं, आंसर इज पांगी, पांगी में जो है रेजिडेंट कमिश्नर इन द एरिया जो है वहाँ पे जो हेड होता है दैट इज़ पांगी में, वो रेजिडेंट कमिश्नर होता है। इधर जो है फुल यात्रा इज़ वेरी फेमस। ठीक है, फिर आता है गुरु गोविंद सिंह फोर्सेस डिफीटेड द फोर्स ऑफ राजा ऑफ श्रीनगर एट, नैना देवी, बिलासपुर, हलोक, धामी, कसौली, CRI, एंटी रेबीज इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, सनावर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, आंसर इज भागनी, भागनी जो है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह और किसकी, राजा श्रीनगर की और आपकी जो है कौन, गुरु गोविंद सिंह भगानी, तो उसमें भीमचंद बिलासपुर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है द अर्सफाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ कुमार सेन वॉज इन द ईयर 1966 इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जो आपका कुमार सेन था वो किसका पार्ट था 1966 में, महासू नहीं, सोलन नहीं, आपका किन्नौर नहीं, या फिर आपका शिमला। तो अगर देखा जाए ये जो पार्ट था ये किसका पार्ट रहा है, ये है आपके शिमला का, और एक चीज़ कुमार सेन को बनाने वाले थे कीरत चंद। ठीक है, शिपकी पास इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, शिपकी किसके पास है, चंबा, चंबा में तो साच पास है, ये बंगाल पास है, लाहौल स्पीति में अभी हमने पढ़ा कौन कौन से पास, रलदांग पास, सॉरी बोरसा पास, ठीक है, और
कौन सा किया है आपने? सॉरी कुंजुम पास, सॉरी इसका आंसर है कुंजुम पास। तो लाहौल और स्पीति में कंजम पास है, रोहतांग पास है, शाडोकन पास है, किन्नौर में आपका बोरसा पास, सतलुज सॉरी छलांग पास, छालंग पास, और आपका जो है कौन सा बोल सकते हैं बीसी कमलिगा पास, ठीक है लक्कर, ठीक है शिंका पास, और क्या है शिपकी पास, ठीक है। तो ये नहीं है आंसर, इस शिपकी पास कहाँ पे है? किन्नौर पे, ठीक है। शिमला में जो है चूर चांदनी, जो कि चांद आपके सिरमौर और शिमला को अलग करती है। नेक्स्ट आता है आपका हरिपुर वॉज द प्रिंसली स्टेट ऑफ, हरिपुर जो है वो किसका है? सॉरी हरिपुर वॉज द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ, हरिपुर किसकी प्रिंसली स्टेट है? आम ऊना में है, ठीक है। डाडा सिबा सिब्बा सिब्राम ने बनाया। नदौन हमीरपुर में है, नदौन वॉर जो थी वो मुगल्स भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुई थी। तो आंसर इज गुलेर हरिचंद, ठीक है। बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति वॉज रिटन बाय, एल सी प्रार्थी ने लिखी कुलवत देश की कहानी, एम एस रंधावा ने लिखी कांगड़ा पेंटिंग्स, रंजोर सिंह ने लिखी आपकी तारीख़ रियासत सिरमौर। तो आंसर इज APF हार्डकोर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने जो है हिमालयन ज़िला कुल्लू और लाहौल स्पीति का जो है वंशावली लिखी थी, वंशावली, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑनर्ड विद पद्मश्री, इसमें से कौन है जिसको पद्मश्री का अवार्ड नहीं मिला है? चरणजीत सिंह, शोभा सिंह, कैलाश चंद। तो इन सबको मिला है, सिर्फ YS परमार जी को नहीं मिला है। बाबा कांशीराम वॉज नोन एज, कांशीराम को हिमालय पुत्र, शिवालिक पुत्र नहीं, पहाड़ी गांधी या फिर पर्वत का नेहरू। तो आंसर इज पहाड़ी गांधी। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। पहाड़ा द बुलबुल कहा था किसने? आपका सरोजनी नायडू ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ HP यूनिवर्सिटी। देखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का कब खुली थी आपकी? 1970 में। कब खुली थी? 1970 में, ठीक है। 1970 में खुली थी। तो इसका वाइस चांसलर कौन? देखिए चांसलर तो होता है गवर्नर, वाइस चांसलर कौन है? पहले कौन थे? डॉक्टर आरके सिंह। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर कब बनी थी? 1985 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पालमपुर, उच्छा घाट नहीं, नाहन नहीं, आंसर इज सोलन, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? नौनी में। कहाँ पे है? नौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द श्राइन ऑफ ड्योट सिब्बा सिद्धा इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ड्योट सिद्ध श्राइन कहाँ पे है आपकी? बिलासपुर। बिलासपुर में जो है आपके मार्कंडे ऋषि का भी मंदिर है। तो ये नहीं है। मंडी अजबर सेन का जो है भूतनाथ मंदिर, पंचवक्त्र टेम्पल, श्राइन जो है वो है आपकी लॉ हमीरपुर, ऊना नहीं, तो हमीरपुर में जो है वो है नेचुरल गैस, ठीक है। चामुंडा टेम्पल इज एट, चामुंडा टेम्पल कहाँ पे है? धर्मशाला नहीं, कांगड़ा नहीं, आपका बनीखेत नहीं, चिंतपूर्णी नहीं, आंसर इज ये है आपका कांगड़ा में, आंसर इज कांगड़ा, ठीक है। जब आप कांगड़ा पालमपुर जाओ ना तब बीच में आता है। और ये चामुंडा टेम्पल किसने बनाया था? घमंड चंद ने। किसने बनाया था? घमंड चंद, ठीक है। नेक्स्ट द अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ भागल इज इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जो भागल है वो आज किस डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा, शिमला, मंडी या सोलन? तो आंसर इज सोलन। इन द ईयर 1967 ऊना तहसील वॉज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अगर 1967 में जो ऊना तहसील थी वो किसका पार्ट थी? देखिए 1966 में आपको पता है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तो ये किसका पार्ट बन गई थी? होशियारपुर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट, हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ है? यशवंत नगर, चंबा घाट सोलन में है, ठीक है, तो आंसर इज शिमला। देर इज अ लार्ज फिश फार्म, सबसे बड़ा फिश फार्म कहाँ पे है? धर्मशाला, तो यहाँ पे है वॉर मेमोरियल। कल्पा इज द हेडक्वार्टर ऑफ चीनी, केलोंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति, आंसर इज दियोली, जो कि कहाँ पे है? बिलासपुर। नेक्स्ट, देर इज CSIR, सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडियन रिसर्च, ठीक है, तो इसका जो है कहाँ पे है? नाहन, रेणुका, पालमपुर या मंडी? नाहन नहीं, नाहन में तो नहीं है, रेणुका नहीं, ठीक है, मंडी नहीं, आंसर इज पालमपुर। नेक्स्ट, किलाड़ कहाँ पे है? किन्नौर नहीं, सिरमौर नहीं, लाहौल स्पीति नहीं, आंसर इज पांगी, कहाँ पे है? पांगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया नोन एज धौलाधार इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जो आपका धौलाधार है वो कहाँ पे होता है, किस डिस्ट्रिक्ट? धौलाधार के नाम से जाना वाला वाला पहाड़ या क्षेत्र किस जिले में है? तो धौलाधार इज नोन एज ग्रेनिश वाइट, ठीक है, क्या होता है इसको? ग्रेनिश वाइट कहते हैं, और ठीक है, ये तैनकुंड से लेकर बद्रीनाथ तक है, तो ये जो है इसको मौलक पर्वत, तो ये क्या आएगा? मौलक पर्वत कहा जाता है। तो जो आपका धौलाधार है वो कहाँ पे है? कांगड़ा में। देखिए, मंडी की हाईएस्ट पीक है नारगू, चिंतपुर मस्तिका जो टेंपल है वो ऊना का है, शिमला की जो है आपकी चांसल पीक। महिमा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, नाहन, चंबा तो नहीं है, चंबा में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, हमीरपुर नहीं, रामपुर नहीं, आंसर इज नाहन। किसने बनाई थी? अमर प्रकाश ने बनाई थी, ठीक है, अमर प्रकाश ने। महिमा, ये तो हो गया महिमा जिला, ठीक है, किसने बनाया था? अमर प्रकाश ने, ओल्डेस्ट लाइब्रेरी। नेक्स्ट आता है आपका, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज एट, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? अगर आप ये रोज के इतने 50-50 क्वेश्चंस भी करोगे ना, तब भी आपका HPG के पार हो ही जाएगा। शोभा सिंह आर्ट गैलरी, नागर नहीं, पौंटा साहिब नहीं, पालमपुर नहीं, आंसर इज अंद्रेटा। लॉर्ड डलहौजी पेड एटलीस्ट वन विजिट टू एंड स्टेड एट डैश, लॉर्ड ने कम से कम एक यात्रा का भुगतान किया और रुके हैं वहाँ पे, कुल्लू, मंडी, डलहौजी, तो ये जो है आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका, लॉर्ड डलहौजी ने एक विजिट क्या है, कम से कम एक यात्रा का भुगतान किया और रुके हैं, कल्पा, डलहौजी, मंडी या कुल्लू। तो यहाँ पे देखिए, अगर लॉर्ड डलहौजी की बात किया तो ये कल्पा में रुके थे, कल्पा यानी चीनी में रुके थे, तो वहाँ पे जो है आपका लॉर्ड डलहौजी पेड अ एटलीस्ट वन विजिट टू, मतलब लॉर्ड डलहौजी ने कम से कम एक यात्रा का भुगतान किया और रुके हैं, तो वो कहाँ पे है? आप देखा जाए तो डलहौजी है, ठीक है, आपका मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड है, मिंजर फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो मिंजर फेयर आपका चंबा में फेयर किया जाता है, जो कि किसने शुरू किया था? साहिल वर्मा ने, बिलासपुर में नहीं, ठीक है, नलवाड़ी फेयर इज फेमस फॉर बिलासपुर, किन्नौर में फुलेच, और यहाँ पे है चिंतपूर्णी फेयर, ठीक है। सुशर्मा चंद्र वॉज द रूलर ऑफ, सुशर्मा चंद्र कुल्लू के बहिंगमिंग पाल, सुकेत के बीरसेन, सिरमौर के जो हैं आपके राजा रसालू और उदित प्रकाश, आंसर इज त्रिगर्थ, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था और किसके खिलाफ लड़े थे? राजा विराट के खिलाफ, मत्स्य राजा, ठीक है। नेक्स्ट, द गोरखास फोर्सेस विच अटैक नंबर ऑफ हिल स्टेट्स इन हिमाचल प्रदेश इज अर्ली 19th century वर लेड बाय, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश की कई पहाड़ी राज्यों पर हमला करने वाली गोरखा सेनाओं का नेतृत्व किया गया था महाराजा धीराज, अर्जुन सिंह गोरखा, बीरेंद्र मां
सा या राकस्तान? तो इसका आंसर है राकस्तान। ये क्या है भाई? द गोरखास फोर्सेस विच अटैक नंबर इन द 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी राज्यों पर हमला करने वाली गोरखा सेनाओं का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? राकस्ताल। राकस्ताल तो इटसेल्फ इज अ एरिया। बीरेंद्र सा, अर्जुन सिंह गोरखा या फिर आपका महाराजा धीराज? तो आंसर इज अर्जुन सिंह गोरखा। फिर भी इस क्वेश्चन को अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। द सतलुज हैज़ इट्स सोर्सेस, सतलुज कुंड, सुतलरी, धौलाधार या मानसरोवर? तो देखा जाए तो सतलुज जो है इसका सोर्स कहाँ है? सतलुज कुंड, जो कि कहाँ है? आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस। ठीक है, नेक्स्ट आता है द बुक कांगड़ा पेंटिंग वॉज रिटन बाय। कांगड़ा पेंटिंग किसने लिखी है? तो कांगड़ा पेंटिंग लिखी है आपकी MS रंधावा ने। किसने लिखी है? MS रंधावा। OC हांडा ने लिखी है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, द तपोवन नोन एज संदीपनी हिमालयस, संदीपनी हिमालयस को तपोवन कहा जाता है। तो वो काजा में है, सोलन में नहीं है, काजा में नहीं है, ऊना में नहीं है। आंसर इज धर्मशाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्सफाइल स्टेट नेम्ड बिलो डज नॉट फॉल विद द प्रेजेंट आर की तहसील? आज की तहसील आर की में कौन सी जगहें नहीं पड़ती? भागल, मांगल, कुनिहार या बुशहर? तो कौन सी नीचे निर्मित पूर्ववर्ती राज्यों में से कौन सा वर्तमान आर की तहसील के अंतर्गत नहीं आता? तो ये है आपका, इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? देखिए तो भागल, अर्की स्टेट भागल था, मांगल, कुनिहार या आपका बुशहर? तो ये किसका है? आपका बुशहर। द श्राइन ऑफ रेणुका वो है समथिंग टू डू विद परशुराम, जमादग्नि, संसारचंद या युधिष्ठिर? तो जो रेणुका के मंदिर से कुछ लेना देना है तो वो किसको है? आपके परशुराम, क्योंकि रेणुका और परशुराम, एक रेणुका मदर थी, परशुराम जो था वो बेटा था। नेक्स्ट आता है, फिर भी किसी को डाउट लगेगा वो पूछ लेना। चुरा तहसील इज इन डिस्ट्रिक्ट, चुरा तहसील कहाँ पे है? चुरा तहसील कहाँ होती है? चंबा में, मंडी में नहीं, शिमला में नहीं, बिलासपुर में नहीं। पंजाल माउंटेन रेंज, इट्स अ पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला डैश टचेस और फॉल्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, सिरमौर। कि जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं वो किसको टच करती हैं, किन डिस्ट्रिक्ट्स को? तो ये है आपकी पीर पंजाल। देखिए कौन सी हैं सबसे ज़्यादा किसको टच करती हैं? किन्नौर। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन पीक दियो टिब्बा, दियो टिब्बा की हाईएस्ट पीक क्या है? देखिए अगर देखा जाए आपका 6001 ये भी नहीं है, ठीक है, 64, अब देखिए यहाँ पे देखिए 6400, 6473, 6001 या देखिए ये तो आपकी शिला की है, ठीक है, 6400 मीटर्स, ये जो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो दियो टिब्बा ये आपका आएगा, जो आपकी ये वाली है ना 6473, इसको आप बोल सकते हो मनी रैन, ठीक है, आपका 6400, तो 6400 जो है यह आपका आता है डिब्बी बोकरी, हाईएस्ट पीक जो है दियो टिब्बा जो आता है 600 मीट्रिक टन, मेट्रिक टन नहीं मीटर्स आएगा ये मीटर्स, ठीक है। द बुक प्रवासी मेरे मीत वेरे वेयर रिटन बाय, नोरा रिचर्ड्स, नहीं, नोरा रिचर्ड्स ने लिखी कंट्री लाइफ, जेसी फ्रैंक ने लिखी आपकी हिमालयन आर्ट, चंद्रधर गुलेरी ने लिखी उसने कहा था, और शांता कुमार ने लिखी थी पहाड़, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे लाजो, सारी लिखी थी। तो आंसर इस प्रवासी मेरे मित, ये भी शांता कुमार ने लिखी है।
तो स्टूडेंट्स, ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल, जल्द से जल्द उसके साथ जुड़िए। तो आज का सेशन कैसा था और जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दे दिया, आई होप कि आपका फीडबैक मुझे मिल जाए सेशन बनाने से पहले। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि हैप्पी नवरात्रास, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है।